ये इस्लामिक आदि मतलब इस टाइम हम बैठे हैं हमारे इस्लाम के रोज़े के अंदर, क्योंकि हमने ज़ोर असर की नमाज़ पढ़ी है, हम सब बैठे अंदर। यहाँ से अभी हरम के अंदर जाएंगे, अभी हरम के बिल्कुल बाहर एक एरिया वहाँ पर नमाज़ पढ़े, तो अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, बट रात को थोड़ी थोड़ी क्लिप्स हमने बना ली थी, ये आपको बाहर से थोड़ा सा व्यू करवाता हूँ, ये देखना ज़रा। ये अंदर बिल्कुल इस दरवाजे से अंदर हरम है, ज़री मुबारक है, ये अभी हम यहाँ बाहर बैठ के नमाज़ पढ़ रहे थे, तो अभी हम बाहर जाते हैं और वीडियोज़ बनाते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह बाहर जाकर आपको थोड़ी थोड़ा दिखाते रहे साथ साथ। नया बनाया है साथ साथ सभी दिखाना, ये आगे ने नया पोर्शन बनाया है, ये रिसेंटली ये बनाया है, ये फिर बंद है, बट आपने आपको ये भी दिखाते हैं। ये देखिए ज़रा सारा इतना खूबसूरत है, जहाँ लोग आराम करें, इबादत करें, पीछे भी लोग इबादत करें थे, आराम करें। सारे का सारा देखिए आगे पूरा किए सारा माशाल्लाह। अच्छा इस टाइम हम ये सेने पाते हैं यहाँ पे बैठे हुए थे काफ़ी देर, यार यहाँ बहुत ही खूबसूरत है इसका, आगे देखिए तो सारा यहाँ मार्बल लगा है, ऊपर ये ग्लास लगा हुआ है, यहाँ पर वो देखिए यहाँ पे जब रोशनी के बाद स्काई लाइट का होता है, टेक्सचर आ रहा है, बहुत खूबसूरत है, ऐसी लग रहा है कि जैसे हम जन्नत में बैठे हुए हैं। वहाँ पे रिसेंटली नया बनाया है, आगे का भी वहाँ पे ये थोड़ा सा येलोइश में गोल्डन कलर में, वार्म लाइट्स में सारा गोल्डन लाइट है, आगे सारा क्रिस्टल लाइट है, नेक्स्ट वो भी आपको दिखाते हैं आपको। मैं आपको क्लिप जाके दिखाता हूँ, ये गोल्डन लाइट्स की हुई यहाँ पे, वो जो नेक्स्ट है वो आप देखें क्रिस्टल लाइट में, यहाँ पे दोनों का फर्क देखना पता, ये देखने से लग रहा है यहाँ पे ऊपर जेवर हीरे मोती चमक रहे सारे, ऐसा लग रहा है हीरे ऊपर चेक करें। और ये सजदे का रखने की जगह देखिए, ये पिलर्स के चारों तरफ है, इसका ये भी फ़ायदा कि यहाँ रखने से जो आप दूसरे जो होते हैं डब्बे वगैरह उसमें सजदे का जब फेंकते हैं तो सजदे का शहीद हो जाते हैं, यहाँ रखने से ये फ़ायदा है कि ये शहीद नहीं होते हैं, वे सेफ रहते हैं। हाँ यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने ज़री मुबारक है, अंदर वीडियो अलाउ नहीं है, बट यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा था, तो यहाँ से वीडियो बना रहे हैं। ये अभी हम सेन में बाहर आ गए हैं इमाम अली इस्लाम के रोज़े के, और ये आप देखिए कि आपको ये मदीना में मक्का मदीना में भी इस तरह के ना ये छाँव के लिए होता है बेसिकली, कि यहाँ पर धूप काफ़ी होती है उसको छाँव के लिए, ये उन्होंने वहाँ से देखे ऐसे यहाँ पर किए, पहले यहाँ पर नहीं था ऐसा कुछ, ये देखें ऑटोमेटिक है ये सारा। इस टाइम हरम में तैयारी हो रही है 17 रबी अव्वल जो कि हुजूर पाक की विलादत के दिन है, और इसलिए देख रहे हैं आप हर जगह सबज़ मैडम, देखिए हर जगह सबज़, कल ये जहूर है, आज रात को शान चेंज हो जाएगा, कल जहूर है तो उसकी तैयारियां सारी हो रही है यहाँ पे। अच्छा आज हमारा दूसरा दिन है, सुबह हम हुए थे ज़री से इमाम अली अलैहिस्सलाम की, और भाई का निकाह का टाइम भी सब फिक्स हो गया, सब कुछ अरेंज हो गया, अभी सिर्फ एक बुके लेने जाना है, और निकाह का टाइम सुबह कल 8:30 बजे है, तो निकलना घर से तकरीबन 7:30 बजे तक है, सब कुछ फिक्स हो गया है, सारा कुछ खाना वगैरह जो भी है, तो बस अभी हम जा रहे हैं, इसके बुके का पता करने वो मिलेगा कूफा से, बाकी मेरे घर वाले जो है वो गए हैं, शबी कहाँ पर गए हो,
वो वादी सलाम की है, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। और मैं और शबी थे, हम रह गए, हमने जाना था यहाँ काम करने, हम बाद में जाएंगे। तो आपको रूम टूर भी करवाना थोड़ा सा रह गया था, अभी सारा मेस्टअप हो गया, गंद काफ़ी हमने किया, कितना सामान वगैरह खोला था। ये टू बेडरूम मेरा और मेरे भाई का कमरा, ये थोड़ा सामान हमारा गंद पड़ा हुआ था, ये शीशा, ये टीवी, फ्रिज, ये अलमारी हमारी, और ये वाशरूम सेपरेट है और एसी चल लगा हुआ है। ठीक है, रूम भी शुक्र का, बाकी भी हम जा रहे हैं बुके लेने, वहाँ पे जाके आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ये भी हम कूफा जाने लगे, टैक्सी करवा रहे, अभी मौलाना साहब बात करें उनसे, टैक्सी का रेट फिक्स करा रहे, तो हम कूफा जाएंगे, वहाँ जाके कुल दोस्तों रूम जा रहे, वहाँ जाके फिर मिलते, फिर देखे बातचीत करे अभी हमसे। अभी इसके साथ बात बनी, दूसरे के साथ नहीं बनती हमारी। अभी इस मस्जिद में, ये मस्जिद इमाम बार का, यहाँ पे नमाज पढ़ के भी हमारे, तो चलते हैं गार्डन में भी। ये इस टाइम अब आए यहाँ पे नजफ़ से बाहर, कहाँ पे कूफा और नजफ़ के दरमियान में, जैसे पिंडी इस्लामाबाद नहीं वैसी एक है एरिया, इसको नजफ़ भी कहते हैं, कूफा भी कहते हैं, नजफ़ का ये पोश एरिया। इधर हम आए, यहाँ अपनी टैक्सी हमारी खड़ी की है, वो अलामा साहब और ड्राइवर गया वहाँ से बुके का पता करने, और अभी हम बाहर खड़े हैं वेट करें किसी तरह बुके मिल जाए। एक दो जगह और गए थे पहले, मॉल भी गए थे, वहाँ से भी नहीं मिला। और ये देखा नसर, ये आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये पाकिस्तान में भी है, मुझे लगता था ये यूएई का ब्रांड है कोई, ये हर जगह है। और यहाँ पे डॉज चार्जर वगैरह गाड़ियाँ बिल्कुल आम है, भी वो सामने देख खड़ी हुई, आपको दिखाता हूँ वो। और इनका कल ये इराक का इंडिपेंडेंस डे भी है कल, तो कल मे भी ये यहाँ पे और ही हल्ला गुल्ला हो कोई। यार एक और दुकान पे इधर उम्मीद है मिल जाएगी, काफ़ी दुकानों से फिर क्या है, काफ़ी जगहों से कहीं से नहीं मिल रहे, दो घंटे का टाइम दे रहे कि दो घंटे पहले ऑर्डर दे, उसके ऑर्डर के बाद तैयार करें, दो घंटे लगेंगे। अभी इस पर आया, देखिए इस पर क्या मिलता है अभी। यार अभी मेरे इस वाले भाई का सुबह निकाह है, तो अभी हम यहाँ पे उसके लिए, इसने खाना खिलाने के लिए, खाना तो नहीं वैसे ही, बस एक सबको कुछ ना कुछ खिलाने के लिए यहाँ पिज़्ज़ा खाने आए, और सब अंदर बैठे हुए। आपको मैं वो इमाम अली इस्लाम का रोज़ा दिखाता हूँ दूर से रात के टाइम, ये देखें ज़रा। और ये पिज़्ज़ा शॉप पे भी हम आए, बाकी यहाँ आज का व्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह सुबह जब इसके निकाह होगा तो उसकी वीडियो दोबारा बनाएंगे। और अभी आपको दिखा था सारे मेरे मामू, सारे कज़न वगैरह आए, ये भी मेरा कज़न आया हुआ है, तो बाकी अभी हम ऊपर इधर बैठे हैं, अभी पिज़्ज़ा खाएंगे, बाकी सुबह इंशाल्लाह मैं आप लोगों को, अल्लाह हाफ़िज़।